Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. हम लोगों ने previous classes में syllabus के regarding discussion किया था और जैसा कि उस syllabus में explain किया गया उसके basis पर हम लोग अभी term one का जो हमारा syllabus है उसी सबसे पहले कंप्लीट करेंगे. जब हम लोग टर्म वन के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो टर्म टू के चैप्टर्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे उस चैप्टर्स के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे. बट एट दिस टाइम वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ टर्म वन एट फर्स्ट. आई मीन एट फर्स्ट we will complete the syllabus of term 1 and after the completion of these topics we will again go to the syllabus of term 2, I mean chapters of electric current and magnetic effect of electric current. In sabhi chapters ko hum log study karenge fir se revision karke ya fir use restart karke, kyunki abhi jo bhi chapters hume padhna hai उसमें जो टर्म वन में जो जो चैप्टर्स दिया गया है उसमें सबसे पहला जो हमारा ये होगा वो है लाइट. लाइट के बारे में हमें पढ़ना है. इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले इस चैप्टर्स में जो हमें पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट मतलब व्हाट इज लाइट, लाइट के नेचर क्या है, लाइट के प्रॉपर्टीज क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट मतलब सबसे पहला ये होगा. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देयर एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन का मतलब यहां पर यह हुआ कि इस लॉ को हम लोग स्टडी करने के बाद कुछ हेल्पफुल डायग्राम से उस रिफ्लेक्शन के लॉ को एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग उससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स भी. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर. ठीक है, मिरर एंड देयर टाइप्स. मिरर एंड देयर टाइप्स. ठीक है, उसके बाद हम लोग मिरर रिलेटेड टर्म, जैसे मिरर पढ़ेंगे मिरर रिलेटेड टर्म्स मतलब उस मिरर का जो हम लोग एक तो यहां पर जब मिरर पढ़ेंगे उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या प्लेन मिरर्स. प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स. फिर स्फेरिकल मिरर्स में फिर इसके दो टाइप्स पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. इस तरह से फिर इस मिरर से रिलेटेड टर्म पढ़ने का मतलब यहां पर यह है कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोण, फोकस, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे. फिर इसके बाद जो आएगा यूजेज ऑफ मिरर. फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला मतलब एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू एंड मिरर फॉर्मूला. फिर इसमें देखेंगे मैग्नेट.
साइंटिफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बाद यहां पर हम लोग मैग्निफिकेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन और यहां पर कुछ देख लीजिए रूल फॉर रीडायग्राम मतलब हम लोग जो मिरर से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, उस इमेज को ट्रेस करने के लिए हम लोग रे डायग्राम का यूज करेंगे। तो उस रे डायग्राम के लिए क्या रूल है, कहां से कौन से ऑब्जेक्ट पे, कहां से किस ऑब्जेक्ट के लिए किस तरह से रे को कॉन्सेंट किया जाएगा, कैसे वो इंसिडेंट होगा, कैसे वो रिफ्लेक्ट होगा, इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। फिर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट तो मतलब लोकेशंस पे ऑब्जेक्ट को रखते जाएंगे और उसके जो इमेज बनेंगे उसको हम लोग ट्रेस करेंगे। फिर उस इमेज को फाइंड आउट करने के बाद उसके जो नेचर है उस इमेज के, मतलब वह इमेज वर्चुअल होगा, रियल होगा, मैग्निफाइड होगा या फिर साइज का होगा, इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यह हमारा इस चैप्टर का ओवरव्यू है कि किस तरीके से हम लोग टॉपिक्स को लेते जाएंगे और इसके इनसाइड जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसमें एक जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि साइन कन्वेंशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साइन कन्वेंशन और इसे आगे के चैप्टर में जाएंगे, जैसे लेंस में जाएंगे तो उसमें कुछ इसे डिफरेंट टॉपिक आ जाएंगे, तो सभी चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स को हमने लिखा है और उसके जो लेफ्ट होगा वो इसी टॉपिक में कहीं ना कहीं इसके इनसाइड आ जाएगा, इससे उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं लाइट के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहला यह यहाँ पर पॉइंट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, लाइट है क्या, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जो डेफिनेशन इससे पहले के क्लासेस में जो पढ़ते आए हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑफकोर्स लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इन दिस क्लास वी विल गोइंग टू डिफाइन अबाउट द लाइट लाइक दिस। लाइट इज ए वेव, ओके, लाइट इज ए वेव हु ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड मेक्स विजिबल एवरीथिंग अराउंड अस। लाइट एक तरह का वेव है और वेव का मतलब क्या होता है आइए देखते हैं। लाइट जो है हमने कहा है लाइट इज ए वेव, लाइट वेव, लाइट इज ए वेव टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और इट मेक्स विजिबल एवरीथिंग अराउंड अस। लाइट एक तरह का वेव है जो हमारे चारों तरफ की चीजों को, चारों तरफ के ऑब्जेक्ट को हमारे लिए विजिबल बनाता है। तो यहां अब हमको समझना है कि वेव क्या है। तो वेव को हम लोग बोलते हैं वेव ये सोर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब सेक्वेंशियल डिस्टर्बेंस है, या जो है सेक्वेंशियल डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब जैसे अभी तुम यह साउंड सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं वह तुम सुन रहे हो, क्यों कैसे सुन रहे हो, इसका जो फेनोमेनन है कि हमारे वोकल कॉर्ड से जो साउंड आ रहा है वह हमारे चारों तरफ जो एयर है एज ए मीडियम इसको वाइब्रेट करते हुए तुम्हारे ईयर तक पहुंच रहा है और तुम्हारे ईयर ड्रम को यह डिस्टर्ब कर रहा है, इसके वजह से सुन पा रहे हैं।
तो यहां यह वेव जो है यह एक्चुअली दो तरह के होते हैं, यह वेव दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब देखिए, अब वेव जब दो तरह के हो गए, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, तो फिर लाइट कौन सा वेव, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, पहले हम यह समझ लेते हैं। तो व्हाट इज मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव दोज वेव्स हु रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ठीक है, रिक्वायर्स मीडियम मतलब क्या क्या चाहिए, जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, स्पीड हुआ, इस सब तरह का रिक्वायरमेंट कैसे, इस वैसा वेव जो मीडियम को रिक्वायर करता है, रिक्वायर्ड मीडिया फॉर देयर प्रोपेगेशन, इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। कहते हैं दोज वेव्स हु रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल क्या होगा, तो तुम यहां पर लिख सकते हो मैकेनिकल वेव्स जैसे साउंड, ठीक है, वाटर वेव्स या वाटर रिपल वेव्स, ठीक है, रिपल वेव्स, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स डज नॉट रिक्वायर, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर, does not requires medium for their propagation। वैसा वे जो अपने propagation के लिए medium का requirement नहीं करता हो, उसे हम लोग बोलेंगे कौन सा वे, non mechanical wave। और इस non mechanical wave से यहां पर क्या जाता है, क्या जाता है, यहां पर light हमारा example हो जाएगा, light इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सर्विस एग्जाम्पल होगा। अब देखिए प्रोपेगेशन के बेसिस पर, इसका नेचर ऑफ प्रोपेगेशन जो है ये दो मीडियम के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, एक उसके नेचर ऑफ प्रोपेगेशन के बेसिस पर भी लाइट का क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। यही वेव का दो टाइप और है, एक है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव क्या है, तो ट्रांसवर्स वेव को कहते हैं दोज वेव्स हु ऑसिलेट्स, दोज वेव्स हु ऑसिलेट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपेगेशन। मतलब जो वेव है, जैसे इसे देखिए, यह जो वेव है इसे जो इसका मोशन का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये जो चल रहा है, देख रहे हैं, इसका ऑसिलेशन का डायरेक्शन अप एंड डाउन है, ठीक है, और इसके मोशन का डायरेक्शन की बात करें तो देखिए ये इधर है, ठीक है, यहां पर तो देख रहे हो ट्रांसवर्स वेव के केस में जो उस वेव का ऑसिलेशन का डायरेक्शन है वह अप एंड डाउन है, ठीक है, जो वेव के ऑसिलेशन का डायरेक्शन है ये अप एंड डाउन है, और उसका मोशन का डायरेक्शन जो है इधर है, तो दोनों में एंगल कितना का होगा, ये देखिए दोनों में एंगल होंगे 90 डिग्री का। तो दोज वेव्स हु ऑसिलेट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ देयर ऑसिलेशन इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऑन द अदर हैंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब ये हुआ कि दोज वेव्स हु ऑसिलेट्स, दोज वेव्स हु ऑसिलेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, दोज वेव हु ऑसिलेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, देख रहे हैं, जिधर इसका प्रोपेगेशन है उधर ही इसका ऑसिलेशन है। यहां देखिए कॉम्प्रेशन रियल फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रियल फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, और इस तरीके से यह चलता चला जाता है। यहां ट्रांसवर्स वेव के केस में क्रेस्ट का फॉर्मेशन, ट्रॉफ का फॉर्मेशन, क्रेस्ट ड्रॉप। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव
इज दोज टाइप ऑफ बी हु ट्रांसफर्स, मेरा मतलब है दोज टाइप ऑफ बीज हु ऑसिलेट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ देयर ऑसिलेशन एंड प्रोपेगेट्स विद अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉफ इज नोन एज ट्रांसवर्स बेल. ओके, ऑन द अदर हैंड दोज बेल्स हु ऑसिलेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपेगेशन विद अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रियर ट्रैक्शन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल बेल्स. ओके, क्लियर है? तो हम लोग बेल के इस चार टाइप्स को पढ़ लिए. बेल्स क्या है, हमने देखा बेल्स इज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस हु ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज नोन एज बेल. एंड ड्यूरिंग देयर प्रोपेगेशन इफ दे रिक्वायर्स मीडियम देन दैट टाइप ऑफ बेल इज नोन एज मैकेनिकल बेल. एंड ड्यूरिंग प्रोपेगेशन इफ दैट बेल डज नॉट रिक्वायर एनी मीडिया फॉर देयर प्रोपेगेशन इज नोन एज नॉन मैकेनिकल बेल. एंड ऑन द नेचर ऑफ देयर प्रोपेगेशन if that wave oscillates in the perpendicular direction of their motion then that wave is known as transverse wave and transverse wave propagates with alternate formation of crest and trough. Crest is the positive highness and trough is the negative highness. And then the longitudinal wave with such type of waves oscillates in the direction of their propagation. Okay, clear? ye hamara is wave ka introduction. अब देखिए, अब लाइट यहां पर किस तरह का बेल है. तो लाइट हमारा सबसे पहला नॉन मैकेनिकल बेल दिया है. लाइट जो है वह नॉन मैकेनिकल बेल और दूसरा ट्रांसवर्स बेल. ठीक है, तो अब जो लाइट का डेफिनेशन तुम कहोगे, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स बीम हु प्रोपेगेट्स स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोल सकते हैं एंड मेक्स एवरीथिंग विजिबल अराउंड अस. ठीक है, अब इस डेफिनेशन का आगे की क्लासेस तक भी आप उपयोग कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि लाइट की जो नेचर्स है, लाइट की जो प्रॉपर्टीज है, उसको तो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर नेचर के बारे में पढ़ेंगे. बट लाइट इज एनर्जी, एनर्जी को हम लोग बेस भी बोलते हैं. इसलिए हमने कहा कि लाइट का डेफिनेशन जिसमें हम लोग यह बोलते हो कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स बीम. ठीक है, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स बीम हु मेक्स एवरीथिंग विजिबल. ठीक है, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स बीम व्हिच मेक्स एवरीथिंग विजिबल अराउंड अस. और जैसा कि नॉन मैकेनिकल है, यह मीडियम का रिक्वायरमेंट करेगा, नहीं करेगा. ट्रांसवर्स है, कैसे मूव करेगा, तो इस ऑसिलेशन इसके प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. ठीक है, चलिए, कहीं कहीं तो जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकते हैं. तो यह जस्ट उस एनर्जी का मॉडिफिकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इनोवेटिव आइडियाज हैं जिसके बेसिस पर इस चीज का ये होता है और हम लोग इसका यूटिलाइज कर पाते हैं. तो अभी जो हम लोग लाइट का इंट्रोडक्शन देखे, इसकी बेसिस पर हम लोग को भी कहा कि लाइट क्या क्या है. तो लाइट मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं करता है. इसको प्रूव कैसे कर सकते हो, लाइट इज नॉन मैकेनिकल वे को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वे बोलते हैं. तो इसे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसके बेसिस पर तुम कर सकते हो और वह एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी क्लास में तुम बता चुके हैं. यह मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं करता है. ठीक है, एंड ट्रांसवर्स वे. ठीक है, ट्रांसवर्स बे. अब देखिए, इस लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को हमें देखना होगा कि यह प्रॉपर्टी क्या क्या है. तो देखिए, समटाइम्स जैसे अगर तुम किसी वाल पे वाटर को थ्रो करते हो तो वह वाटर उस वाल को क्रॉस करके उसके अदर साइड नहीं जा पाता. क्यों? क्योंकि वाटर में पार्टिकल्स हैं. ठीक है, वाटर में पार्टिकल्स हैं, इसके वजह से या उसको क्रॉस नहीं कर पाया. मतलब वाटर में पार्टिकल नेचर है. तुम जब लाइट की बात करते हो तो
तो लाइट जहां प्रेजेंट है, जैसे तुम अगर खड़े हो, तुम्हारे एक साइड से अगर लाइट आ रहा है तो तुम्हारा शैडो उसके अपोजिट साइड में होगा, या अपोजिट साइड में तुम्हारा शैडो बनना, यह भी तो यह बता रहा है कि लाइट का वहां से रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तुम ना लाइट को रिफ्लेक्ट करते रहे हो, तुम्हारे बैक साइड में एब्सेंस ऑफ लाइट है जिसके वजह से शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यह नेचर इस लाइट का बताता है कि लाइट यानी पार्टिकल नेचर। क्या है लाइट का? पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, लाइट का जैसे हम कहें तो ये एक ऐसा लोकेशन है जहां पर ना उसे वहां से रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, बट वहां जाकर के वह टर्न हो जा रहा है, किसी शार्प एज पर जाकर के बेंड हो जा रहा है। तो यह बेंड होने का जो नेचर है यह भी हमें बताता है इसके एक और नेचर को, जिसे हम लोग बोलते हैं वेव नेचर, ठीक है। तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, रेजोनेंस है, बहुत सारे इसके ऐसे नेचर है जो एग्जांपल है, जो फिनोमिनन है जिसके बेसिस पर हम लोग कहते हैं लाइट का दोनों तरह का नेचर होता है। तो लाइट हैविंग ड्यूअल नेचर, लाइट हैविंग ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर मतलब यहां पर तुम लोग बोल सकते हो लाइट का डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन व्हिच रिप्रेजेंट्स पार्टिकल नेचर, सॉरी वेव नेचर। फिर है द शैडो फॉर्मेशन, ठीक है, शैडो फॉर्मेशन या रिफ्लेक्शन की बात करते हो वह पार्टिकल नेचर। तो इसे आगे की क्लासेस में जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन तक जाकर जो उस पेपर को पढ़ते हैं, उसमें लाइट के बहुत से ऐसे फेनोमिनन है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट है जो इन सारे चीजों को एक्सप्लेन कर पाता है,